हम जो कुछ भी याद करते हैं वो 24 घंटे तक हम याद रख सकते हैं। और आज क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, एक के बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन, अभी हम यहाँ से जाएंगे, टीवी देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, किसी से फ़ोन पे बात करेंगे, व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ेंगे, इंटरनेट पे सर्फिंग करेंगे और कुछ कुछ करेंगे, तो वो सब कुछ भी तो लोड हो रहा है ना। तो क्या होता है कि इनफैक्ट जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च करी गई है उसके अकॉर्डिंगली हमारा ब्रेन, किसी का भी हो, चाहे आपका ब्रेन है चाहे मेरा ब्रेन है, ऑन एन एवरेज 24 आवर्स तक तो उसे इन्फॉर्मेशन को रखता है। उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो जाती है, हम भूलना शुरू हो जाते हैं। तो पहला रिविजन कब होना चाहिए? विद इन 24 आवर्स होना चाहिए। और फिर जो हम 24 आवर्स में रिवाइज करते हैं वो लगभग अगले 7 दिनों तक हमारे दिमाग में रहता है। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लिया ना तो उसकी रिटेंशन जो है बुद्धि में रहने की वो थोड़ी लंबी हो जाती है, 7 दिनों तक रहता है। 7 दिनों के बाद हमारी सेकंड फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो जाती है। तो हमें सेकंड रिवीजन कब करना चाहिए? 7 दिनों के अंदर। और उसके बाद हमें मंथली करना चाहिए। ठीक है, जो हमने 7 दिन बाद किया वो लगभग मंथ तक हमको याद रहता है। अगर कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आपको बहुत कुछ मुश्किल हो रही है, कोई इक्वेशंस हैं, ऐसी चीज़ें हैं, फॉर्मूलेज हैं, तो उनको हर 15 दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि भाई इतना समय थोड़ी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर हम रिवाइज ही करते रहेंगे तो फिर हमारा तो कोर्स ही नहीं पूरा होगा। मान लीजिए हमारा 2 महीने बाद एग्जाम है, आप कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आज आपने 2 घंटे लगा के एक चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, उसके नोट्स भी बना लिए, पूरा याद भी कर लिया, और आपका वो एग्जाम के लिए तैयारी हो गई जैसी होनी चाहिए। ठीक है, पूरा अच्छे से आपको याद है वो चैप्टर, कुछ भी पूछ लीजिए। अब आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो याद किया, 24 आवर्स में फिर रिवाइज करो, फिर हफ्ते में फिर रिवाइज करो, फिर महीने में रिवाइज करो। मैंने अच्छे से कर लिया, मैं तो एग्जाम से पहले दिन इसको खोलूंगा और एक बार रिवाइज कर लूंगा, हो जाएगा मेरा। ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट, लेकिन ब्रेन तो आपके उस पर काम नहीं करेगा ना। 24 आवर्स में आपने रिविजन नहीं किया। अब चलो पहले ये बताइए कि रिविजन करने में कितना टाइम लगेगा? अगर 2 घंटे में आपने फर्स्ट लर्निंग करी है तो फर्स्ट लर्निंग मतलब 120 मिनट्स में आपने करी, 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स, तो रिविजन करने में कितना टाइम लगेगा? 120 मिनट्स लगेंगे। रिसर्च ये बताती है कि हमें 1/10 टाइम लगता है लगभग ऑफ द फर्स्ट लर्निंग। अगर 120 मिनट्स हमें याद करने में लगा है तो 12 मिनट्स के करीब हमको लगेगा उसको रिवाइज करने में। और अगर हम इन टेक्निक से याद करते हैं तो हम शायद 7-8 मिनट में भी कर सकते हैं रिवाइज उतने पार्ट को। तो अब 24 घंटे में 10 मिनट, देन हफ्ते में 10 मिनट और महीने में 10 मिनट। अगर 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो उस 2 घंटे के ऊपर मुझे आधा घंटा और देना है। लेकिन आप कहते हैं मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, 24 घंटे बीत गए, आपने रिवाइज नहीं करा, आपकी पहली फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो गई। ठीक है, 7 दिन बीत गए, आपने तो भी रिवाइज नहीं करा, आपकी सेकेंड फॉरगेटिंग साइकिल भी शुरू हो गई। और महीना हो गया, 30 डेज हैव गॉन, ना आपने मेंटली रिवाइज किया ना उसको एक बार भी देखा, तो अब क्या होगा? अगर आप खोलते हैं कितना याद होगा? 30 डेज से आपने उसको कुछ नहीं देखा, तो लगभग आपको बस ऐसा लगेगा पड़ा पड़ा सा है, काफी कुछ भूल जाएंगे। लेकिन आपको अभी भी कॉन्फिडेंस है, मुझे तो सब याद है, एग्जाम से पहले दिन उसको खोल के देख लेंगे। तो अब जब 2 महीने बाद वाला एग्जाम है और उसमें 2 दिन की छुट्टी है और आपके 12 चैप्टर्स आने वाले हैं, उसमें से 10 चैप्टर्स आपने ऐसे कर करके रखे हुए हैं और केवल 2 चैप्टर्स आपको नए याद करने हैं। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, ऐसा ही होता है ना हम जब तैयारी करते हैं। तो अब पहले दिन हम सोचते हैं चलो जो हमने चैप्टर्स रिवाइज करे हुए हैं ना, पहले से याद करे हुए हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं, सो डैट मैं टिक 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 10 चैप्टर तो मेरे कम से कम हो जाए। आप पहला चैप्टर खोलते हैं, 60 डेज हैव गॉन और आपने उसको जरा सा भी खोलकर नहीं देखा, ना मेंटली रिवाइज करा, ना उसको देखा, ना अपने नोट्स देखे, अभी कितना याद होगा? और उन 60 डेज में कितना इंफॉर्मेशन जा चुका है ना? तो आपको अभी कम से कम 2 घंटे नहीं तो 1.5 आवर पक्का लगेगा उसको याद करने में। रिविजन करते थे तो आधा घंटा और लग रहा था, रिविजन नहीं करते हैं तो 1.5 आवर कम से कम और लग रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टाइम से ज्यादा किस चीज की है? जब आप देखेंगे आपको याद नहीं आ रहा तो माइंड में क्या थॉट्स क्या आते हैं?
मैं तो भूल रही हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये तो मेरा चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ था, कितना टाइम लगा के मैंने किया था, तभी तो मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं अभी मैं मम्मी को कहती हूँ कोई पढ़ने लिखने का फायदा नहीं है, कितना भी पहले प्रैक्टिस कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, एग्जाम में कुछ काम तो आता नहीं है। मेरी मेमोरी बहुत खराब है, सारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स आने लगते हैं, जबकि आपकी मेमोरी परफेक्ट है, आपने मेहनत अच्छी की है, लेकिन ब्रेन की साइंस का ना पता होने के वजह से आपने रिवीजन ठीक से नहीं करी। उसमें अगर थोड़ा सा समय दिया होता तो वो सारी मेहनत अब बहुत इजी लग रही होती। अब क्या होता है, दूसरा चैप्टर खोला वो भी याद नहीं, तीसरा खोला वो भी याद नहीं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ रही है, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, कल का पेपर तो गया मेरा, मैं तो फेल, मुझसे कुछ नहीं होगा। अभी देखिए, अब वो 1.5 आवर क्या लगेगा, वो जो 2 चैप्टर्स रह गए थे फ्रेश जो करने थे, क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड अब ऐसा है, अब आप कुछ नया सीख सकते हो? पेट में कुछ कुछ होने लगेगा, मम्मी छुट्टी कर लूँ मैं, मुझसे नहीं हो रहा, पता नहीं। तो मम्मी कहेंगी सारा साल तो तूने इतनी अच्छे से पढ़ाई करी, तू तो मेरे से कहती मम्मी ऑलमोस्ट सारा कोर्स हो गया, अभी क्या हुआ? होता है ना ये हमारे साथ, और फिर हमें समझ ही नहीं आता कि क्या मेरी मेहनत में कमी है। पेरेंट्स भी कहते हैं पता नहीं बच्चे पढ़ते तो सारे टाइम रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता उनका। तो इसको फॉलो करना है, इतना समय मैंने इस चीज़ पे इसीलिए लगाया कि जिससे हम इस बात को समझें, हम गलत बिलीफ सिस्टम्स नहीं लेकर आए अपनी मेमोरी के लिए। आप बहुत मेहनती बच्चे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसी के अंदर अगर ये रिविजन प्लान 24 घंटे में एक बार, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और रिवीजन करने का टाइम कौन सा सबसे अच्छा होता है? रात को सोने से पहले। अगर सारा दिन जो आपने पढ़ा है, सोने से मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं, तो 9 से 10 का जो टाइम है वो मेरा रिवीजन टाइम हो। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन नहीं सोता है, बॉडी रेस्ट करती है। ब्रेन का वो सारे दिन में जो इन्फॉर्मेशन लिया उसका वो रीऑर्गेनाइजेशन टाइम होता है। तो जो आप लास्ट में इंफॉर्मेशन लोगे, ब्रेन स्पेशली उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से रिऑर्गेनाइज करेगा, सेटल करेगा आपके ब्रेन में, मेमोरी बैंक में। और क्योंकि रिवीजन में 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, मतलब 600 मिनट्स की पढ़ाई को आप 60 मिनट्स में रिवाइज कर रहे हो, तो ज्यादा चीज को कम टाइम में कर रहे हो। बहुत सारी चीज आपने 1 घंटे में कर ली, तो वो रात को जब रिऑर्गेनाइजेशन होगा तो कितने अच्छे से सेट हो जाएगा, राइट? अब हम क्या करते हैं, मूवी देखते देखते, टीवी देखते देखते सो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उसी की रीऑर्गेनाइजेशन होती रहती है। जब सुबह उठते हैं तो पहला थॉट उसी का आता है ना, तो चेक करें हम इस चीज़ को, ठीक है?